She's crying. Welcome back to another vlog. और अभी मैं वीडियोस बनाकर फ्री हुई हूँ और अब मैं जाऊंगी आज अब्बू के साथ ग्रॉसरी करने. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ, मौतों के साथ नहीं जा रही, क्योंकि अब्बू ने बोला था इस मरतबा जब हम ग्रॉसरी करने जाएं तो उनको साथ लेकर जाएं, उनको आई थिंक कुछ चीजें देखनी है या पता नहीं, वैसे ही घूमना फिरना है, तो चलिए थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे वो भी. सो अभी आज मैं और अब्बू जा रहे हैं तो मैंने सोचा चलो आपको भी साथ लेकर चलते हैं, थोड़ी देर में मैं निकलूंगी. सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग बस उबर वाला आने वाला है और भाई फटाफट हम लोग जाएंगे और फटाफट वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है. अभी मैंने उबर करवाई है तो एक ने तो कैंसिल कर दिया है, दूसरे वाला की करवाई है. सो देखो क्या होता है, वैसे ही आता है फ़ौरन से निकल जाना, ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है कि उबर कराओ या इन ड्राइव कराओ तो समटाइम्स यू नो कैंसिल जो कर देते हैं ना, ये बड़ा इशू हो जाता है. खाना भी हम लोगों ने खा लिया और आज अबू का मनपसंद खाना जो है वो मंगवाया था. अबू को शाश्विक बहुत पसंद है और साथ में फ्राइड पोटैटो फिश बहुत पसंद है और उनको ये जो खाना है वो स्पेशली बुंदू खान में ही पसंद है, तो इसलिए आज मैं उनको यहाँ पर लेकर आई थी. और आज हम लोग फोटोस आए, हम लोग इम्पोरियम नहीं आए. ये है कारफोर हमारे सामने. अच्छा, मौसम काफ़ी अजीब सा है, यानी कि धूप बहुत तेज़ है, हालाँकि हवा भी चल रही है तो अच्छा लग रहा है. सो अब मैं करूँगी ग्रॉसरी और अबू जाएंगे ऊपर वाले सेक्शन में, जो उनको कुछ चीज़ें देखनी थी वो देखेंगे. और अबू जा रहे हैं और अबू इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं आते क्योंकि उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनसे ज़्यादा सही से चला नहीं जाता इस वजह से. हाँ जी अबू जी, ग्रॉसरी मैंने कर ली और ट्रैवल एजेंट से मैं जा रही हूँ ऊपर, अबू क्योंकि ऊपर हैं. अब उनको ढूंढूंगी और आई मीन कॉल करूंगी कि पता चलेगा अबू कहाँ पर है. सो देखें अबू ने क्या पसंद किया है, कुछ लिया भी है नहीं, सिर्फ देखी हैं चीज़ें, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स ही चीज़ें देखना.
प्रॉबली अबू इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पर होंगे, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में। आज काफ़ी सुकून है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था बल्कि नीचे भी शॉपिंग करने का। भाई ये मैं अपनी बहन के लिए सेटअप देख रही हूँ कि उनको दिखाऊंगी, अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी। 2000 years later. अभी बज चुके हैं रात के 10 और मेरी बहन ने मुझे कुटापा चाड़ा है, और कुटापा चाड़ के वो चली गई अपने कमरे में और मैं भी अभी सोने जा रही हूँ। जारू ईटिंग शुगर आज जो आना है। गाइस ये देखिए मेरी बहन रो रही है, मैंने इनको दिखाया कि देखो मैंने एडिट कैसा किया है उमर के जाने का ब्लॉग। पहले मैं देख रही थी तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था, और अभी ये मैडम देख रही है तो रो रही है। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। है ना मेरी बहन, शी इज क्राइंग। उमर देखो तुमसे कितना प्यार करती है ये। उमर मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, मुझे भी रोना आ रहा था कसम से भाई। The next morning. अभी जारू गाएगी एक गाना हम सबके लिए। पहले हम दरवाजा करते हैं बंद क्योंकि बाहर से आ रहा है शोर। सो लेट्स स्टार्ट जारू, चलो। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। आई लव यू बना दो, आई लव यू। हाँ आई लव यू बोलो, आई लव यू हरीम। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ चीजें लेनी है, थोड़ी सी चीजें भी खरीदनी है अपने लिए। और ये मौजम जिम की तैयारी करते हुए जिम जाने से पहले ये लेता है कॉफी, यानी कि 15 मिनट पहले। वैसे प्लीज बताएं कि क्या ये सही होता है या नहीं होता है, या ये मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े, या ये सिर्फ शॉर्टकट होता है, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई टाइम हो रहे हैं अभी 6:15 बज रहे हैं, और क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ तो भी आई नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब मुझे भूख लग रही है। 6:15 बज रहे हैं, दोपहर में तो मैंने मसर खाए थे चावल के साथ, और अभी मैं डिनर में सोच रही हूँ कि मूंग दाल जो है वो भिगोई हुई थी, मेरी बहन उसका पेस्ट बनाया हुआ था, तो मैं उसका चिल्ला बनाकर खा लेती हूँ। तो चलिए मैं रेडी करती हूँ अपना डिनर और फिर उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि सच में मुझे समझ नहीं आती डिनर के लिए मुझे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खाना मैं रोटी मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा रात के टाइम में, पर पेट में कुछ तो जाना चाहिए क्योंकि फिर भूख लगना शुरू हो जाती है। वो दूध वैसे मैं लेना शुरू कर दिया है मैंने आजकल, और उसके अंदर भी साबूदाना जो है वो डालकर मैं पीती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है कैल्शियम के लिए साबूदाना। बनाते हैं अभी चिल्ला। तो ये है मूंग दाल का पेस्ट जो मेरी बहन ने बना कर रखा हुआ है, और इसके अंदर आई थिंक उन्होंने नमक मिर्च भी सब कुछ डाल दिया हुआ है, और ये मैं खाऊँगी। और रात के लिए मैंने सुबह के लिए मैंने ये बीन्स जो हैं रेड बीन्स इनको भिगो कर रख दिया है। अभी मैं देखूंगी रेसिपी कि किस किस तरीके से इसको मज़ीद इस्तेमाल किया जा सकता है, या कौन सी रेसिपी जो अच्छी हो और खाने में मज़ा आए बनाई जा सकती है। और ये थोड़े से मैंने चने भिगोए हैं, सुबह सैलड में ऐड करूँगी इसको। तो बस अब मेम्बा वगैरह रख दिया, गर्म हो गया, अब इस पर हम डालेंगे भाई मूँग दाल। गाइज मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है थोड़ा राउंड में हो जाए, बट मुझे लग नहीं रहा कि भी पीस जल्दी राउंड में हो, परफेक्ट तो मेरे से नहीं बनता, बट ये कि मैं थोड़ा सा इसको कोशिश की है कि थोड़ी सी थिन लेयर बने, लेकिन फिर भी कहीं कहीं से ये आई थिंक मोटा रह गया, इसकी लेयर उतनी थिन नहीं मेरे से हो पाई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी ये मेरे से अच्छे से पक जाए, और जब ये पकेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे छोटा बनाओ तो उसका फ़ायदा ये होता है कि पकता जल्दी है और अच्छा बनता है,
अब मुझे इसका नहीं पता कि भाई ये किस तरह का बनेगा या क्या सीन होता है, बट चलो देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से मेरे से बन रहा है। पता नहीं टॉस करते हुए क्यों हमेशा ये मेरे से ख़राब हो जाता है, क्योंकि चिपक जाता है और फिर सही नहीं होता मेरे से। लेकिन चलो मेरा ख्याल में काफ़ी फिर भी बेहतर बन गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं हो रही थी कि ये मेरे से सही बन पाएगा। ओके इधर फिर टर्न करते हैं, पता नहीं सही हुआ कि नहीं, लग तो रहा है सही है। ओके फिर एक मिनट वास्ते फिर से टॉस करते हैं इसको। लग रहा बन गया भाई, प्लेट में रख लेते हैं हम। सो दिस इज मूंग दाल डोसा। इसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा, बस हाँ थोड़ा सा खराब होगा, पर क्रिस्पी है और काफ़ी बड़ा भी बन गया, पर अच्छा लग रहा। और तुम खाओगे? ट्राई कर ले भाई। ये तो मेरा डिनर है आज का, और मैंने ये कोशिश करनी है कि अब अच्छा खाना खाऊं। सो गाइस डिनर मेरा हो गया, और ऑनेस्टली बोलो तो इतना ज़्यादा खाया नहीं गया मेरे से, आई मीन हाफ मेरे से खाया गया, काफ़ी मुश्किल था। और मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा रोटी के साइज का हो गया था, तो मुझे खाया नहीं जा रहा था। और भाई मैं इसलिए मैं सोच चलो कोई बात नहीं, इतने टाइम में थोड़ा सा तो डोसा बनाना सीख ही हूँ, थोड़ा सा बस थोड़ा सा। वैसे मुझे ऐसा लगता है मेरी बहन ज़्यादा अच्छा बनाती है। मोमोज भी अब वैसे किसी दिन ट्राई करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों ने 4 सालों में सिर्फ एक मिनट बार मोमोज बनाए हैं घर में। सो अब मैं खुद ट्राई करूँगी मोमोज बनाना, मुझे लगता है इस मतलब बेहतर बनेंगे, परफेक्ट तो नहीं बट बेहतर बनेंगे। सो ट्राई करूँगी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टिल द नेक्स्ट व्लॉग। Goodbye. We'll be alright. Be alright.